बेसिकली ये स्टोरी बहुत अच्छी है और आज जैसे आप सब जानते हैं कि कंटेंट बेस्ड फिल्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और रिसेंटली स्त्री जैसे फिल्म को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, इट्स अ बिग हिट. सो व्हेन देयर इज अ नाइस स्टोरी टू टेल एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी. और इतने सालों के बाद इसलिए बिकॉज यू नो आई कॉन्ट हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, बिकॉज वॉट एवर केम माई वे आई वॉज नॉट टू हैप्पी एंड द मिनट दिस केम आई जस्ट फेल्ट हैप्पी. अभी आप क्यों, किस वजह से आप पूछें, आई डोंट हैव एन आंसर, बट इट जस्ट फील्स करेक्ट. द टाइमिंग सीम्स राइट, द मूवी सीम्स राइट, द स्टोरी सीम्स राइट एंड रजनीश एंड आई हैव डन आरम टूगेदर, तो इट बिकेम काइंड ऑफ नेचुरल के उसके बाद ये फिल्म हम साथ में कर रहे हैं. एक्चुअली मैं पिछले दो साल से मैं बहुत बिजी हूँ इन द साउथ और जनवरी, मार्च और अप्रैल में इसी साल में मेरी तीन फिल्म रिलीज़ हो गई हैं एंड उसमें से एक अभी भी चल रही है एंड इट्स कंसिडर्ड अ बिग हिट बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स इन कन्नड़ा एंड तमिल. आई डिड अ विलन्स रोल विच रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ माय बर्थडे मार्च. ऑल्सो आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर बींग द नेगेटिव रोल. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि आई एम गेटिंग टू डू डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स. अब हिंदी में इस फिल्म के साथ मैं एंट्री कर रही हूँ दोबारा, तो आई विश एंड प्रे कि जिस तरह से साउथ में मुझे रोल्स मिलते हैं उसी तरह से मुझे यहाँ भी मिले, स्पेशली विथ नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन एंड वेब सीरीज एंड मूवीज़ एंड यू नो आई जस्ट होप आई गेट टू डू वर्क. आई लव बींग अ पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री, आई लव बींग अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. आई डोंट वॉन्ट टू टेक ब्रेक्स, आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क. मनोज जी, मैंने ये नोटिस किया है कि बड़े स्ट्रेस फ्री इंसान हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देन द क्रिएटिविटी एंड ही कीप्स अ जॉय. ऐसे लगता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस्ड आउट हैं और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं. बड़ी आसानी से वो हम आर्टिस्टों को गाइड करते हुए आ रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑलरेडी रजनीश के साथ वो कर चुके हैं, सो ही स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ हिम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग. और दूसरी बात यह है कि मनोज जी के बारे में, जब उन्होंने कहानी सुनाई तो वो खुद ही एक्टिंग करते हैं एंड करते करते मुझे बहुत मज़ा आया. मैं देख रही थी उनके मैनरिज्म्स और हर किरदार का उन्होंने वो रीडिंग के टाइम पे वो खुद ही, मतलब जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी जैसे विजय राज और सडनली उन्होंने मेरे कैरेक्टर के अंदर उन्होंने वो इनपुट दी. सो ही इज़ एन एक्टर्स डायरेक्टर, तो इट्स नाइस टू बी वर्किंग विथ हिम, मज़ा आया. मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं इस फिल्म में भूत नहीं हूँ, आई एम नॉट द हॉरर, बट मे बी आई एम द पार्ट ऑफ द सॉल्विंग टीम. आई डोंट नो मैं कितना कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और कोई और हॉरर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी एंड एनी वेज आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क and now I got an opportunity to do some work here in Hindi. I'm a Bombay girl, I'm raised in Bombay and मैं हिंदी में काम करूँगी तो मेरे बच्चे देखेंगे. मैं जब तमिल में करके आती हूँ, साउथ में करके आती हूँ, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मॉम यू गो वर्किंग, वॉट डू यू डू, कैन वी सी. सो नाउ इफ माई मूवी रिलीज इज इन हिंदी, आई थिंक माई फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंड्स, माई चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स विल गो, माई फ्रेंड्स विल वॉच इट, माई हस्बैंड विल वॉच इट. कम से कम उन्हें ये पता तो चले कि मैं करती क्या हूँ. So I'm very happy. Thank you.